विनोद भ्याणा के कार्यों को देखकर आपके मन में कहीं ना कहीं जलन है। उनको अपने परिवार और रिश्तेदारों से सिवाय हंसी का कोई इंसान उनको नजर नहीं आ रहा। नरेश यादव पक्का चुनाव लड़ेंगे। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, लूट मचाने के लिए लगे हुए हैं। इनको ये लग रहा है, इनको ये अब ये कहने भी लगे हैं कुछ अपने लोगों के आगे कि मैं 5 साल हारता हूं और 5 साल जीतता हूं, अब की बार मेरी हारने की बारी है। तो हांसी की कौन कौन सी बड़ी समस्या नजर आती है? विधायक जी, प्रॉपर्टी के बिजनेस से बाहर आके शहर की सूद लो ताकि हमारा शहर सुंदर बने, साफ सुथरा बने, वो नहीं बन पाया। और मैं तो इतना ही कहता हूँ, विधायकी तो आपकी निश्चित जाएगी, जनता ने ठान लिया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जनता के मन में जो रोष है उसको आप कम कर सकते हो तो 2 महीने के अंदर कुछ ऐसे कार्य कर जाओ जिसके अंदर जनता को लगे कि 2 महीने तो विधायक जी ने, एक कहावत बन जाए कि 2 महीने तो विधायक जी ने पैसे नहीं खाए यार। वो तो कहते हैं कि ईमानदार सरकार में ईमानदारी पूर्वक कार्य किया जा रहा है। सरकार ईमानदार हो, विधायक जी तो ईमानदार कहीं नजर नहीं आ रहे। सरकार तक तो मेरा हाथ है नहीं, सरकार के बारे में तो मैं क्या बोलूं। और सरकार ईमानदार होती तो यहाँ विधायक भ्रष्टाचार नहीं कर पाते। प्रॉपर्टी डीलर के नाम पे नरेश यादव ने भी लूट मचा रखी। आशीष, जितना भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं होगा। मैंने सुना है कि साउथ की साइड ज्यादा भ्रष्टाचार है, वो ये साउथ भी क्रॉस कर दिया आशी वालों ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम खास शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद है एक जानी मानी हस्ती जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेश यादव की। यादव साहब, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। बहुत बहुत स्वागत, आपको बधाई, आपके चैनल के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। जी यादव साहब, चुनाव का समय आने वाला है, बहुत सारे तमाम नेता अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेके एडी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। आपके भी मन में कुछ गुदगुदी चल रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, क्या विजन लेके आए, क्यों आप विधायक बनना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा जी कि हमारा विधायक बनने का विजन नहीं है, शहर को सजाने का विजन है जी। और आसी को काशी बनाने का संकल्प टीम नरेश ने लिया जी। पहले हमारी ये जो टीम थी ये सामाजिक रूप से काम कर रही थी और आसी को काशी बनाने का एक सपना सजो के हम शहर में निकले, गांव में निकले। तब हमने गांव का हालात देखा, शहर का हालात देखा, तो मुझे नहीं लग रहा कि आज़ादी के बाद कुछ बहुत बड़े बदलाव हमारे यहाँ पाए हैं जी। बहुत चीज़ें ऐसी थी, चेंज हुई, लेकिन अब तो पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि सरकार बहुत टैक्स की मार इतनी लोगों पर है, व्यापारियों के ऊपर टैक्स की मार है। आप देखेंगे GST से लेके हर टैक्स, हर बर्तन पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स ही टैक्स है। उसके बावजूद भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं मिल रही हैं जी। और जहां तक आसी का मैं चर्चा करना चाहूंगा खासकर जी, पूरे आसी की सड़कों पे ऐसे मिट्टी है जैसे गांव के कच्चे खेत के रास्तों पर होती है जी। कूड़े के ढेर इस तरह है, आप देखते हैं यहाँ पे कितनी बार आपने देखा होगा कि सफाई कर्मचारी 5 साल में से 2.5-3 साल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, आंगनवाड़ी वर्करों की हड़ताल, कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल। बस मैं ये कहता हूं एक ही काम कि सिर्फ जो जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई वो अपनी जेब भरने में लग गए और शहर का सत्यानाश कर दिया। आज जितनी सड़कें शहर में बनाई हैं, एक एक सड़क को मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा। शमशान घाट की सड़क बनाई थी, आप एक बार वीडियो बना लेना। सीसी सड़क बनाई थी, 25 साल सीसी सड़क नहीं हलती, 25 दिन वो सड़क नहीं चली। हिसार चुंगी से तिकोना पार्क की एक सड़क बनाई गई जो बिल्कुल ठीक हालात में थी, उसको धक्के से कमीशन के चक्कर में पाड़ा गया, पाड़ के उसको बनाया गया और रातों रात उसके जो बजरिया निकली उस पर तारकोल गिराते हुए ठेकेदार नजर आए। ये हमारे शहर की वानगी है जी। आज शहर में चौक बनाए, उनकी रातों रात लाइटें बंद हो जाती है, पानी का इंतजाम नहीं है टेम्परेरी कामों में। टीम नरेश के जो कार्य थे, उन जो सामाजिक कार्य टीम नरेश कर रही थी उनसे गुदगुदी हुई। टीम नरेश ने जैसे ही फुहारा चौक बनाया तुरंत हिसाब से उन्होंने गीता चौक बनाया। जैसे ही टीम नरेश ने निशांत मलिक द्वार का कार्य शुरू किया उन्होंने तोरण द्वार का कार्य शुरू किया। मैं तो बधाई आपके चैनल के माध्यम से विधायक को देना चाहूंगा, विधायक जी कि कम से कम आपको कुछ सूद तो आई और टीम नरेश के कार्य आपको अच्छे लगे और जो आपने अपनाए। नरेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्तमान विधायक की बात करें, विनोद भ्याणा की बात करें, विनोद भ्याणा के कार्यों को देखकर आपके मन में कहीं ना कहीं जलन हो? विनोद भ्याणा के अगर कार्य होते तो हमें राजनीति छोड़ो, आप किसी चीज में हमें समाज सेवा के थ्रू क्यों काम करने पड़ते? दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, विनोद भ्याणा जी से जलन करने से शहर का विकास नहीं होना है।
हम और कोई ना कोई आदमी, बदलाव प्रकृति का नियम है। विनोद ब्याना जी को जो आज विधायक की सीट पे बैठे हैं, उनमें भी हमारा याद है, हमारे वोट से वो बने हैं, हमने भी उनका तन मन धन से समर्थन किया है, तभी वो आज विधायक हैं। लेकिन जो बातें बोल के सत्ता में वो आए थे, उनके नजदीक नजदीक नहीं है। उनको अपने परिवार और रिश्तेदारों से सिवाय हांसी का कोई इंसान उनको नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैंने हांसी की कायापलट कर दी, हांसी की जनता जितनी आज बीजेपी सरकार से खुश है इतनी शायद ही कभी देखने को मिली। तो वो तो अभी पीछे लोकसभा में रिजल्ट मिल गया है और आने वाले टाइम में विधानसभा में रिजल्ट मिल जाएगा कि आपने कितनी काया पलटी है। आसी तो इससे सुंदर पहले थी और नरक बना दिया आसी को उन्होंने। आसी तो आज बाहर की इन्वेस्टमेंट से उठी है, ये तो हम टाउनशिप लेके आए, सारे व्यापारी टाउनशिप ले लेके आ गए, आसी का थोड़ा नाम चल गया है। नहीं, एक ईंट कहीं नहीं लगा पाए, जितनी लगाई है रात को लगाते हैं अगले दिन फट जाती है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है आसी, जितना भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं होगा। मैंने सुना है कि साउथ की साइड ज्यादा भ्रष्टाचार है, वो ये साउथ भी क्रॉस कर दिया आसी वालों ने तो। आसी वालों ने हाँ बिल्कुल, उसमें कहीं नरेश यादव भी शामिल तो नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर के नाम पे नरेश यादव ने भी लूट मचा रखी है। क्या लूट मचाई आप बताइए, जमींदारों को पैसे मिले हैं जमीनों के, सुंदर टाउनशिप शहर को सुंदर बनाने के लिए बहुत बेहतरीन टाउनशिप हम लेके आए कि आसी के अंदर अच्छे सेक्टर होंगे, अच्छी सुरक्षा होगी, अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छी सुरक्षा वाली टाउनशिप होंगी, तभी तो इंडस्ट्रीज आएंगे, तभी तो वो बैठेंगे जो वो सुरक्षा के माहौल में होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था का क्या बुरा हाल है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा हमारे कितने प्रतिष्ठित व्यापारी भाई रविंदर सैनी की गोलियों से भून के हत्या कर दी गई। पार्क के अंदर भरे 9 बजे के एक प्रेमी जोड़े को प्रदनादन गोलियां चला दी गई। आप बताइए कहाँ है सिस्टम इनका। कोई किसी बदमाश को डर नहीं है, किसी आसी में कोई काम करने का अफसरों को डर नहीं है, भी काम अच्छा हो बुरा हो, जितनी सड़कें बनाई हैं, ड्रेनेज डाली गई, शहर की पानी की व्यवस्था बुरा हाल है। 15 दिन 20 दिन नहर में पानी नहीं आया था। जो हमारे ये जो पब्लिक हेल्थ के जितने भी बूस्टर हैं उनके हालात जाके देखो आप। डाणा खुर्द की वीडियो बनाने तालाबों पे भेज दिए थे विधायक जी ने पत्रकार, कभी आसी के जो हमारे जहाँ से वाटर सप्लाई होती है वाटर वर्क्स का मुआयना करा ले, कोई आदमी नजदीक भी खड़ा हो सकता है क्या। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, लूट मचाने के लिए लगे हुए हैं। इनको ये लग रहा है, इनको ये अब ये कहने भी लगे हैं कुछ अपने लोगों के आगे कि मैं 5 साल हारता हूं और 5 साल जीतता हूं, अब की बार मेरी हारने की बारी है, तो मैं अपनी पूरी जितनी सेवा है वो पूरी कर लूं ताकि आगे चुनाव लड़ने में मुझे पैसा धन बल का प्रयोग करने में दिक्कत ना आए। जी, नरेश यादव को अगर हम बात करें हांसी की, तो हांसी की कौन कौन सी बड़ी समस्या नजर आती है? ऐसा है, हांसी में समस्याओं का अंबार है। सबसे पहले हांसी एक बहुत ऐतिहासिक शहर है, पुराने टाइमों में हांसी देश की राजधानी होती थी और बड़े बड़े जो राजा लोग हुए हैं उनकी रहने की सबसे अच्छी जगह हांसी को माना गया है। हांसी के अंदर ऐतिहासिक किला है जिसके बारे में आज तक सुध नहीं लगी। 500 से ज्यादा वहां पे पन लोग वहां रोजगार ले सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम हो सकता है, पूरे किले को पर्यटक रूप में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। हांसी के अंदर इंडस्ट्री के लिए आज हांसी सबसे बढ़िया है। आप देख रहे होंगे हांसी के चारों ओर आज 4 लेन है, रेलवे स्टेशन की सुविधा है, सारी सुविधा जब यहाँ है तो क्यों नहीं हांसी के अंदर एक भी इंडस्ट्री बाहर की आई। हांसी के अंदर जो इंडस्ट्री आती है उनके उनको लाभ दिया गया है यहाँ से, और आज आप देख रहे हैं हांसी को आप कितने व्यापारियों ने कितने लोगों ने कितनी हांसी को पहचान दी है, उस पहचान को भी धीरे धीरे गुप्त किया जा रहा है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ विधायक जी, प्रॉपर्टी के बिजनेस से बाहर आके शहर की सूध लो ताकि हमारा शहर सुंदर बने, साफ सुथरा बने, वो नहीं बन पाया। और मैं तो इतना ही कहता हूँ, विधायकी तो आपकी निश्चित जाएगी, जनता ने ठान लिया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जनता के मन में जो रोष है उसको आप कम कर सकते हो तो 2 महीने के अंदर कुछ ऐसे कार्य कर जाओ जिसके अंदर जनता को लगे कि 2 महीने तो विधायक जी ने, एक कहावत बन जाए कि 2 महीने तो विधायक जी ने पैसे नहीं खाए यार। कमाल की बात है, आपने अंतिम लाइन में एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि पैसे नहीं खाए विधायक जी ने, सोच लीजिए। बिल्कुल, सोचना क्या है, खाए हैं, सरियाम खाए हैं, निसड़कों का सीमेंट कहाँ गया, तारकोल से क्यों रिपेयरिंग करनी पड़ रही है। अगर इन्होंने पैसे नहीं खा रखे तो उन ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं वो सड़कें सुंदर बनी। वो तो कहते हैं कि ईमानदार सरकार में ईमानदारी पूर्व कार्य किया जा रहा है। सरकार ईमानदार हो, विधायक जी तो ईमानदार कहीं नजर नहीं आ रहे, सरकार तक तो मेरा हाथ है नहीं, सरकार के बारे में तो मैं क्या बोलूं। और सरकार ईमानदार होती तो यहाँ विधायक भ्रष्टाचार नहीं कर पाते जी, तो दोनों ही कटघरे में है। अगर सरकार ईमानदार है तो विधायक भ्रष्टाचार क्यों कर रहा है। तो आगामी विधानसभा चुनाव में क्या अब नरेश यादव ने पक्का मन बना लिया, ठान लिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। टीम नरेश का संकल्प लेके हम चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डासी जी से मिले और हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की क्योंकि उन्होंने
जो हमारा संकल्प है आसी को काशी बनाने का, उसको हमारे बीच में हमने जब बात की तो उन्होंने हमें कहा कि आपका जो संकल्प है उसको हम सरकार आते ही जरूर पूरा करेंगे, चाहे उसके लिए हमें स्पेशल पैकेज भी देना पड़े। और मैं आपको कहता हूं उसी के चलते टीम नरेश ने राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया और टीम नरेश के जो कार्य किए गए हैं आप कभी उन पर प्रकाश डालेंगे, 26 पेज की एक विस्तृत बुक बन चुकी है जहां जहां टीम नरेश ने सामाजिक कार्य करके गांव के विकास में पार्क से लेके शहीद निशान मलिक द्वार से लेके फुहारा चौक से लेके कई गांव में पार्कों का, स्कूलों का नवीनीकरण करके, सड़कों का नवीनीकरण करके बहुत ऐतिहासिक काम टीम नरेश ने किए। और जब हमने देखा कि समस्याओं का अंबार है पूरे हमारे हल्के के अंदर, तो टीम नरेश ने फैसला लिया कि ये अकेला इस समाज सेवा से काम नहीं हो पाएगा, राजनीतिक विरासत को भी इसके अंदर जोड़ के दोनों को साथ लगा के समाज सेवा और राजनीतिक और ईमानदारी की एक टीम बना के उससे इसका आसी का विकास करके आसी को खासी बनाने का काम करेंगे। यादव साहब आपने अपना लक्ष्य तो बता दिया है लेकिन आप बात घुमा गए, नेता वाली बात फिरकी ले गई। हमने जानना चाहा है और तमाम हांसी की जनता, पूरे हरियाणा की जनता जानना चाहती है कि क्या नरेश यादव पक्का चुनाव लड़ेंगी? ऐसा है, जहां तक चुनाव की बात है, हमने अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है जी, और पार्टी के अंदर हम अपना वर्क दिखा रहे हैं, जनता हमारे साथ है और जनता का जो रिस्पॉन्स होगा, और पार्टी ने एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला आपकी बार कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आम आदमी भी कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए अपना आवेदन कर सकता है और उस आवेदन पे जो खरा उतरेगा और उस आवेदन की जो शर्तें पूरी करेगा और जो सर्वे में नंबर वन होगा उसको पार्टी टिकट देगी और वो विधायक बनेगा। यादव साहब बहुत सारे टिकट के दावेदार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेश यादव पतासे के भला में कपास खा जाए? मैं ऐसा कहता हूं ऐसा कुछ नहीं होता है, जनता की नुमाइंदगी सबको नजर आती है, जनता जिसको नुमाइंदगी पे चाहेगी वो जनता जो बैठेगा। और जहां तक ये बात रही टिकटार्थियों की तो अच्छी बात है ना, कांग्रेस पार्टी की हवा है इसलिए यहाँ ज्यादा टिकटार्थी है, कांग्रेस पार्टी के हक में आज पूरे हवा बह रही है और इसीलिए सब कांग्रेस पार्टी की टिकट लेके दावेदार कर। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के दावेदार इसलिए भी हैं, यहाँ किसी को दबाया और धमकाया नहीं जाता। यहाँ जो अगर बीजेपी में तो कोई दो आदमी फालतू टिकट मांग ले तो सामने इडियाला का डर लगने लग जाए। लेकिन एक टिकटार्थी ऐसे भी है जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की हवा नहीं है बल्कि लोगों ने बीजेपी के विरोध में वोट दिए। ऐसा है, ये तो कहने की बात है, जिसको जो बात बोलनी है, मैंने किसी का बयान सुना नहीं है और मैं बगैर सुने किसी के बयान पे कटाक्ष नहीं करता हूँ, फिर भी मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की हवा ना होती तो आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाते। कांग्रेस की हवा ने उनका खेल बिगाड़ा है कि आज वो बिना बहुमत की सरकार चला रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में जबरदस्त लहर है, इसी को लेके जो 400 पार को नारे को तोड़ने में अगर किसी स्टेट ने काम किया है और सबसे बड़ा वोट बैंक अगर किसी पार्टी को मिला है हरियाणा में मिला है कांग्रेस को, और ये उसी की देन है। इसे स्पष्ट नजर है कि हरियाणा के अंदर एक कांग्रेस की बयार और लहर बह रही है जी। तो क्या अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो भी नरेश यादव चुनाव लड़ेंगे? मैं पॉजिटिव इंसान हूं, कभी भी ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए कि नहीं देती है, हम काम ही ऐसा करेंगे पार्टी हमें इग्नोर ही नहीं करेगी। हम पार्टी में गए हैं पूरे अपनी जनता से पूरी राय मशवरा के साथ गए हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे। हाँ, अगर हम सर्वे में कहीं नहीं टिकते तो पार्टी की दावेदारी भी नहीं करेंगे जी। देखिए बहुत बड़ा ऐलान यहाँ पे नरेश यादव की तरफ से किया गया है, कोई भी नेता हो वो यही कहता है कि हर हाल में मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन तमाम नेताओं के बीच में यही खासियत नरेश यादव में देखने को मिल रही है। तमाम लोग भी, तमाम जनता भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो नरेश यादव कहते हैं वही करते हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है कि अगर सर्वे में हम कहीं पर नहीं आते हैं तो हम दावेदारी भी नहीं करेंगे। लेकिन यादव साहब, अगर आपको मौका मिलता है, आपको जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाती है, आपके सामने फिर वही बात होगी, विधायक के रूप में या ये कहें उम्मीदवार के रूप में विनोद भ्याणा होंगे। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, उम्मीदवारी करना सबका अधिकार है, विनोद भ्याणा जी भी लड़े, सब लड़े, फैसला जनता ने करना है। और अब की बार सबको पता है टीम नरेश एक ईमानदार टीम है और एक एक विजन हमारे पास है। शहर के जितने सीवर हैं वो खुले पड़े हैं, बुरा हाल है गलियों के अंदर, और इन्होंने कितना बड़ा षड्यंत्र, कितने बड़ा बाउंडर करके आज हमने गौशाला बना दी है, एक भी
अब बेसहारा पशु रोड पे नहीं होगा, आज पूरी सड़कें भरी हैं, जमींदारों की फसलें खराब हो रही हैं, उन पशुओं का बुरा हाल है, उन गाय माता का बुरा हाल है, बाजारों के अंदर पोलोथिन खाती घूम रही हैं। 5 साल की विधायकी पे जितने वादे किए थे, 5-6 जितने पर्सनल वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। जनता से वोट की उम्मीद करना छोड़ दें, जनता अब की बार उनको सबक सिखाएगी और सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। अब की बार ऐसी खतरे की घंटी उनके लिए बजेगी कि आने वाले टाइम में उनके आने वाले परिवार में भी कोई विधायक लड़ेगा तो ये सोच के लड़ेगा कि जनता के साथ किया हुआ धोखा कैसे कि आप जनता उसका बदला लेती है जी। तो क्या आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है किस प्रकार का बहुमत कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकता है? फुल बहुमत से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और आप देखना बहुत जबरदस्त लहर कांग्रेस के पक्ष में बहेगी और जनता ने अब की बार मन बना लिया है कांग्रेस पार्टी की सत्ता हरियाणा में आने जा रही है। जी बिल्कुल आने जा रही है, लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दो दो यात्राएं निकाल रही है, एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा निकाल रही है, एक तरफ कुमारी शैलजा निकाल रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर पहले से ही फूट है, दो धड़े साफ तौर से पूरे हरियाणा को देखने को मिल रहे हैं। ये चीज कांग्रेस पार्टी में ही संभव हो सकती है, यहाँ हर नेता अपनी आजादी से पार्टी के लिए काम कर सकता है, कोई विरोधाभास नहीं है। अगर यात्रा एक निकल रही है, फिर दूसरी निकल रही है, फिर चौथी निकल रही है, तो दिक्कत क्या है इसमें? कांग्रेस पार्टी का ही सब प्रचार कर रहे हैं, कोई नेता कहीं किसी उसमें नहीं है। और जहां तक बात रही मुख्यमंत्री की, कम से कम ये मेरे दायरे की चीज नहीं है, ये हाईकमान का फैसला है और बनने चुनने वाले विधायकों का फैसला होगा और हाईकमान ने इसको चुनना है, ये मेरे दायरे में कम से कम नहीं आता। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं, यहाँ हांसी विधानसभा क्षेत्र से कुमारी शैलजा के भी समर्थक है, वो भी टिकट की दावेदारी जता रहे हैं? किसकी जता रहे हैं? कांग्रेस की ना, कांग्रेस की। दिक्कत क्या है, जताएंगे ना, समर्थक का क्या मतलब है, सब कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, जितने भी हैं सब कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और दावेदारी जताना सबका अधिकार है जी। और जो कांग्रेस में नहीं है वो भी दावेदारी जता सकते हैं जी। अगर आपको मौका मिलता है और मान लीजिए आप विधायक बन जाते हैं, तो हांसी के लिए पहला काम आपका क्या होगा ताकि लोग आपको क्यों वोट दें? सबसे पहले तो हांसी को सुंदर बनाना है, दूसरा जमींदारों की व्यवस्था को सुधारना है। हांसी के आर बार आप देख रहे हैं पूरा का पूरा खेती पे लोग अपना गुजारा बता कर रहे हैं। आज देखेंगे एक साइड में तो पूरा का पूरा फलन आगे मर जाती है, एक साइड में पानी नहीं पहुंच पाता है। इस व्यवस्था को सुधारेंगे और आने वाले टाइम में जो आज भी हमारे बहुत से हांसी के इलाके में खेती नहीं हो पा रही है, वहां तक जमींदारों की पानी की व्यवस्था करेंगे। आने वाले टाइम में शहर के अंदर जो पोलों का, बिजली के पोलों का बिल्कुल जाल बिछा हुआ है, आप देखेंगे हर चौक चौराहे पे नंगी तारे, बुरा हाल होया पड़ा है, सबके सब पूरा अच्छी व्यवस्था बढ़ा के, जैसे कि आज इन्होंने दावे किए थे कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। हांसी को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करके मैं दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे जी। तो इसका मतलब आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि किसानों को समर्थ करेंगे, दूसरी तरफ आप किसानों की जमीनों को ले लेंगे। क्यों ले लेंगे जमीनों को, किस लिए ले लेंगे? स्मार्ट सिटी के रूप में आप क्यों स्मार्ट सिटी के जमीनों क्यों ले लेंगे? अगर वहां कोई रोजगार आता है, कोई फैक्ट्री आती है, तो वो तो जमीन पे ही लगेगी। रिक्वायर किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कोई जमीन एक्वायर नहीं की जाएगी। अगर कोई डैम के लिए एक्वायर की जाएगी तो जमींदारों के लिए है, कोई इंडस्ट्री के लिए की जाएगी तो जमींदारों के बच्चे लगेंगे उसमें, तो कहीं जमींदारों का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और आजकल जमीन एक्वायर के ऊपर कानून है, कांग्रेस कानून बना के गई थी जाते जाते कि 80% जमींदारों के हक में वो कानून आया था, और आज उस कानून की देन है कि आप अपनी मर्जी से किसी की जमीन एक्वायर नहीं कर सकते जी। अंतिम सवाल, नरेश यादव अपने सामने किसको सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखते हैं? ऐसा है, जनता का नुमाइंदा बन के जाना चाहते हैं हम, और जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो सबसे मजबूत है जी। ये थे नरेश यादव, हांसी से प्रतिष्ठित समाजसेवी कहें, राजनेता कहें, या फिर जनता के दिलों में जगह बनाने वाले कहें। इनका साफ तौर से कहना है कि मैं सच्चे मन से राजनीति में आया हूं, और जिस प्रकार से तमाम नेता वायदे करते हैं लेकिन उन वायदों की हवा निकल जाती है, उनका ध्यान अपने परिवार को सजाने संवारने में, परिवार का घर भरने में उनका ध्यान रहता है, लेकिन इससे एक कदम आगे इनका ये साफ तौर से कहना है कि मैं हांसी को ऐसी सिटी बनाऊंगा जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आएंगे और हांसी की जनता इनको सिर आंखों पर बैठाएगी। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी किसके ऊपर विश्वास करती है और किसके ऊपर चौधर का ताज सजता है। बहरहाल एक बात होता है, जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे
तमाम विधानसभा क्षेत्रों की तरह हांसी का भी राजनीतिक सियासी पारा गर्माता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास सिनेमा।